Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSP statistical assistant. तो हमने हमारी previous class में पढ़ा था about the attributes. अब उस further हम attribute का एक हम overview लेते हैं कि क्या चीज़ होती है. मैंने आपसे एक post भी किया था question about the कि हम presence को किस चीज़ से denote करते हैं और absence को किस चीज़ से denote करते हैं, क्योंकि आपके numerical के लिए बहुत ज़रूरी है. So let's start. तो अगर हम attribute की बात करें, are measured in terms of presence and absence. मतलब जो अगर आपको एट्रीब्यूट्स को मेजर करना है तो आप उनको उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे मेजर करते हैं. ठीक है, किसी दो चीज़ की अकरेंस या उसके ना होने के ऊपर हम एट्रीब्यूट को मेजर करते हैं. लाइक सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट दीज आर कॉल्ड एज नोटेशंस. जो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं लाइक कैपिटल ए, रोमन नंबर्स या फिर अल्फा बीटा गामा, उन सब चीज़ों को हम बोलते हैं नोटेशंस. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट बाय द रोमन कैपिटल्स. तो रोमन कैपिटल्स लाइक हमारा ए, कैपिटल ए, बी, सी, डी, इनसे हम हमारी किसी भी चीज़ की प्रेजेंस को, एट्रीब्यूट को मेजर करते हैं. कैपिटल लेटर्स लाइक कैपिटल ए, बी, सी एक्सेट्रा रिप्रेजेंट द प्रेजेंस एंड दीज आर सिम्बॉलिकली डिनोटेड बाय द ब्रैकेटिंग द एट्रीब्यूट्स. अगर आपको किसी चीज़ की प्रेजेंस बतानी है तो कैपिटल लेटर में और उसको ब्रैकेट में करके डालना है. जैसे कि अगर मुझे लिटरेसी रेट की बात करनी है तो हम अगर ए को मैं लिटरेसी से डिनोट कर रही हूँ तो हम कैपिटल ए को और उसके बाद उसको फर्दर ब्रैकेट में डाल के उस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे. ग्रीक स्मॉल्स यूज इन फेवर ऑफ एब्सेंस ऑफ दैट एट्रीब्यूट. अब वहीं पर अगर हम, ये तो आ गया हमारा लिटरेट की बात, और यहीं पर अगर हम इलिटरेट की बात कर रहे हैं तो हम किससे करेंगे, उसको अल्फा से. तो उस अल्फा को हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर्स में डालकर उसको लिटरेट के लिए, इलिटरेट के लिए उसको डिनोट करेंगे. ठीक है, ग्रीक लेटर्स लाइक अल्फा बीटा गामा, और एन हमारा क्या होता है, यूनिवर्स, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आपके कितने हैं. और मैं आपको ये चीज़ एक एग्जांपल से के थ्रू बताती हूँ. सो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि अगर मान लो हमने लिटरेसी लिया है, लिटरेट लिया है, प्रेजेंस हमने उसको कैपिटल ए, हम रोमन कैपिटल यूज करेंगे, उसको ब्रैकेट में डालेंगे, और उसका एबसेंट उसकी क्या होगी, उसकी एबसेंस होगी लिटरेट, उसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे हमारे ग्रीक लेटर से, उसको ब्रैकेट्स में डालेंगे. लेकिन इसकी तरह दूसरा एग्जांपल अगर हम स्मोकिंग का लें तो स्मोकिंग की प्रेजेंस होने के लिए हम कैपिटल बी उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, वहीं पर नॉन स्मोकिंग हमारा बीटा हो जाएगा, उसे ब्रैकेट में लेंगे. अब क्या था, इन दोनों की अगर हम रिलेशंस बताएं, मान लो कि हमारा इंसान मतलब जो इंडिविजुअल है वो लिटरेट है प्लस वो स्मोकिंग भी करता है, तो इस केस में आप इसको लिखेंगे ए बी होल ब्रैकेट. ठीक है, वहीं पे अगर मान लो इलिटरेट है और वो स्मोकिंग भी करता है, इस केस में आप अपना अल्फा बी, क्योंकि अभी हमने स्मोकिंग वाला लिया है, बी मान लो लिटरेट एंड नॉन स्मोकिंग, इस केस में आपका ए और आपका बीटा आ जाएगा, और लास्ट आपका आ जाता है इलिटरेट और नॉन स्मोकिंग, इस केस में आपका है अल्फा बीटा होल ब्रैकेट. ये टोटल आपका एब्सेंस की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों चीजें ही यहाँ पे एब्सेंट और यहाँ पे दोनों चीजें प्रेजेंट है. तो ये होता है रिलेशन बिटवीन जो हम दो वेरिएबल्स के बीच में एक की प्रेजेंस और एब्सेंस की निकालते हैं. तो ये हमारे अभी न्यूमेरिकल्स में काम आएगा. इसके बाद नेक्स्ट अब हम करेंगे क्या होता है, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, कि एट्रीब्यूट एक दूसरे के साथ कैसे एसोसिएट होते हैं, लाइक पॉजिटिवली, नेगेटिवली, और कई बार वो इंडिपेंडेंट होते हैं जिस केस में नो एसोसिएशन होता है. तो एक केस में आपके तीन टाइप्स हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन, नेगेटिव एसोसिएशन और नो एसोसिएशन. तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एसोसिएशन की बात करते हैं. जब पॉजिटिव एसोसिएशन होता है, इस केस में क्या है कि दोनों की प्रेजेंस एक साथ हो रही है. अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो एक साथ हैं, अगर दोनों एबसेंट हैं तो दोनों एक साथ एबसेंट हैं. ठीक है ना, दोनों का होना ना होना एक साथ होता है. तो लाइक अगर हम बात करें हमारा लिटरेसी और हमारी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अगर ये दोनों चीजों में एक साथ इंक्रीज, दोनों एक साथ आ रहे हैं, या फिर दोनों चीज एक साथ एब्सेंट है, तो उसमें हम बोल देंगे क्या है, ये पॉजिटिव एसोसिएशन है. मतलब प्रेजेंस का भी एक साथ होना और इनके एब्सेंस का भी एक साथ होना पॉजिटिव एसोसिएशन कहलाता है. लाइक हेल्थ एंड हाइजीन, हाइजीन होगी तो हेल्थ भी अच्छी होगी, अगर हाइजीन अच्छी नहीं होगी तो हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी. तो दोनों के प्रेजेंस और दोनों के एब्सेंट दोनों के एक साथ है. ठीक है ना, तो इसमें आप एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपना, हेल्थ एंड
हाइजीन। अब इसमें क्या होता है कि अब आपने पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स का देख लिया कि रिलेशन के दोनों का इंक्रीज और दोनों का डिक्रीज एक साथ हो, इसमें बोलते हैं हम एक्चुअल एसोसिएशन या फिर आप एक्चुअल फ्रिक्वेंसी लिख सकते हैं। क्या होती है? ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। जितना हमने इनकी एसोसिएशन को सोचा था वो उससे ज्यादा एक्चुअल में निकले। ये होता है पॉजिटिव एसोसिएशन के अंदर। वो निकलती कैसे है? इन दोनों की एक्चुअल एसोसिएशन है हमारी ऐसे, ठीक है ना, ए इंटू में बी। और एक्सपेक्टेड को हम निकालते हैं, ए एट्रीब्यूट हमारा बी एट्रीब्यूट के साथ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट अलग अलग है, ये अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई है, यहाँ पे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय एन। तो ये है इस चीज को, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो जो आपके एक्चुअल फ्रिक्वेंसी मोर देन हो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से, तो ये होता है हमारा पॉजिटिव एसोसिएशन। ऐसे ही हमारा नेगेटिव एसोसिएशन होता है। नेगेटिव एसोसिएशन मतलब एक का इंक्रीज दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में डिक्रीज आ रहा है। लाइक आपका प्राइस एंड डिमांड, किसी चीज का प्राइस हाई होता है तो उसकी डिमांड कम होती है, वहीं पे अगर किसी चीज की प्राइस कम है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। तो उन दोनों में क्या होती है? नेगेटिव एसोसिएशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होती है। लाइक किसी में इंक्रीज आ रहा है तो किसी में डिक्रीज आ रहा है, या फिर किसी में डिक्रीज है किसी में इंक्रीज। लाइक आपका एग्जाम्पल है इसमें प्राइस एंड डिमांड। इस केस में आपका क्या होता है? आपकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी इज लेस देन एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, जितना आपने सोचा था उससे कम निकल के आए इनकी एसोसिएशन। मतलब कि आपका ए इंटू में बी क्या हो रहा है? लेस देन ए इंटू में बी डिवाइडेड बाय एन। यह होता है आपका नेगेटिव एसोसिएशन। लास्ट है आपका, ये तो प्राइस एंड डिमांड हो गया, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी लेस देन एक्सपेक्टेड। पॉजिटिव में क्या था कि आपकी एक्चुअल ज्यादा होती है देन एक्सपेक्टेड। अब आपका आता है नो एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन कुछ भी नहीं है उस केस में आपका क्या होगा? उस केस में क्या होगा? किसी के होने या ना होने से किसी भी एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट कोई भी एट्रीब्यूट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। लाइक अगर मैं बोलूं आपकी लिटरेसी और आपका स्किन टोन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं स्किन टोन है, या फिर क्या आपका स्किन कलर है, या फिर बोल्डनेस और एजुकेशन, क्या कहते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट ही नहीं कर रहे हैं दोनों, एक दूसरे से लिटरेसी का, स्किन कलर का, बोल्डनेस का, एजुकेशन के सब कोई लिंक ही नहीं है। इसके होने से इसके ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि ना तो दोनों की प्रेजेंट एक साथ हो ना ही दोनों की एब्सेंस एक साथ हो, ठीक है ना। तो उसमें बोलते हैं नो एसोसिएशन। इसमें क्या होता है? एक्चुअल फ्रिक्वेंसी आपकी इक्वल होती है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के। दोनों क्या होता है? दोनों की फ्रिक्वेंसी का टोटल सेम आता है, मतलब कि आपका ए बी मल्टीप्लाई ए इंटू में बी के साथ डिवाइडेड बाय एन सेम होता है। तो ये होता है आपका नो एसोसिएशन, मतलब कि ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। इस केस में मैंने आपको कल मतलब लास्ट क्लास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बताया था जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो यहाँ पर नो एसोसिएशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट करेंगे, आपको ये क्लियर हो गया एक तो आपका नेगेटिव एसोसिएशन। अब यहाँ पर हम एक साथ ओवरव्यू लेते हैं तीनों का। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, नो एसोसिएशन। तो इस केस में क्या दोनों में इंक्रीज एक साथ आ रहे हैं या दोनों में डिक्रीज एक साथ? इसमें एक इंक्रीज एक डिक्रीज, एक अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। या तो दोनों एक साथ प्रेजेंट है या दोनों एक साथ एब्सेंट है। यहां पर एक प्रेजेंट है तो दूसरा एब्सेंट है, और यहां पर कोई ऐसी रिलेशन ही नहीं है दोनों का होना एक दूसरे के साथ है नहीं, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स क्या है? इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ठीक है। अगर एक प्रेजेंट है तो दूसरा प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उनकी कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे आ गया होता है आपकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड होती है, यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड ज्यादा होती है, और यहाँ पे दोनों क्या होती है? सेम होती है, एक्चुअल भी और आपकी एक्सपेक्टेड भी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।
आई होप यू लाइक दिस सेशन. नेक्स्ट क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है. जो आपके पीवाईक्यू बेस्ड छोटा सा न्यूमेरिकल आता है वो पूछा भी जा सकता है, वो जल्दी से सॉल्व हो जाता है. सो बाय बाय टाटा.